फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। राजस्थान में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, लेकिन गहलोत की पुलिस बदमाशों को पकड़ने के बजाय गधों को तलाश कर रही है। हनुमानगढ़ जिले में अचानक गधों की चोरी के मामले बढ़ गए। ग्रामीणों ने जब पुलिस थाने का घेराव किया तो मजबूरन एसपी साहब को गधे खुजवाने के लिए एक टीम गठित करनी पड़ गई। कम से कम 7 पंचायतों के अंदर 70 गधों की चोरी हुई है। गधे जो हैं, वो जो ग्वाड़िये होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, उनका भार ढोने का, उनका सामान ढोने के लिए काम में आते हैं, यानी उनकी आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण साधन गधे होते हैं। हमने कुइया प्रशासन से, कुइया की पुलिस प्रशासन से मांग की कि आप गधे जिन लोगों ने चोरी की है उन मुलजिमों को गिरफ्तार कीजिए और गधों को बरामद कीजिए। लेकिन लगातार 20 दिन गुजर जाने के बाद भी जब खुइया के पुलिस प्रशासन ने जब कार्रवाई नहीं की तो हमने 28 दिसंबर को खुइया थाने का घेराव रखा, आश्वस्त किया है कि हम अगले 15 दिन के अंदर हम गधों को जो है वो पकड़ लेंगे और उनके साथ साथ गधों के साथ साथ जिन लोगों ने चोरी की है उनको भी हम साथ में गधों को बरामद करके, चोरों को गिरफ्तार करके हम आपके सामने पेश करेंगे। हनुमानगढ़ जिले के नुहर कस्बे के आसपास के कई गांवों से पिछले कुछ दिनों में करीब 70 गधे चोरी हो चुके हैं, जिसकी शिकायत भी थानों में दर्ज करवाई गई है। अब पुलिस ये दावा कर रही है कि गधे चुराने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। थाना इलाका क्षेत्र में ग्राम कामसर, देवासर, जबरासर में करीबन 15-20 गधे 10-15 दिन से गायब थे। इसके संबंध में ग्रामीणों ने परिवाद पेश किया था और श्री मंगेश सिंह जी चौधरी के नेतृत्व में करीबन 20-25 किसान थाने पे आए थे, जिन्होंने ज्ञापन दिया था। गधों की तलाश जारी है, थाने पर विशेष टीम भी बनाई गई है और कुछ अधिकारियों को निवेदन भी किया गया है, काफ़ी थानों में तलाश हेतु मैसेज भी किया गया है। सुनने में बड़ा ही अजीब सा लगता है, बदमाशों को तो पुलिस जल्दी गिरफ्तार नहीं कर पाती और अब गधों की चोरी ने इनका काम और बढ़ा दिया है। कहने वाले तो ये तक कह रहे हैं कि बताइए, पुलिस वाले अब चोरी हुए गधों को भी नहीं तलाश पा रहे। राजस्थान तक के लिए हनुमानगढ़ से गुलाम नबी की रिपोर्ट।